दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आप इन तीनों चेहरों को जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, टाइम्स नाउ के संपादक नाविका कुमार और आनंद रंगनाथन। जो लोग आनंद रंगनाथन को नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, आनंद रंगनाथन अब हिंदी न्यूज़ चैनल्स में अपनी शोभा बढ़ाने लगे हैं, जैसे टाइम्स नाउ का जो हिंदी चैनल है उसमें आने लगे हैं। लेकिन आनंद रंगनाथन अमूमन अंग्रेज़ी के वक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ते रहे हैं अर्नब गोस्वामी के अंग्रेज़ी के शोज़ में और नाविका कुमार के अंग्रेज़ी के शोज़ में, लेकिन अब हिंदी के शोज़ में भी जुड़ने लगे हैं। लेकिन बेसिकली ये जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं वो वही आइडियोलॉजी है जो टीवी चैनल्स और बीजेपी को सूट करती है। और अंग्रेज़ी में बड़ा सजा सजा कर बड़ी प्यारी प्यारी भाषा इनकी होती है। दोस्तों, इन तीनों का एक वीडियो सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। कल रात से इस वीडियो पर तूफान मचा हुआ है। जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी आप कह सकते हैं, उसमें एक तरह से ये वीडियो वायरल है, ये कहते हुए कि देखिए, आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की जुबान बंद करवा दी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की असलियत एक डिबेट में सामने आ गई, जिसमें नाविका कुमार मौजूद थी, आनंद रंगनाथन मौजूद थे और बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा, जो कि कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस की प्रवक्ता हुआ करती थी, राधिका खेड़ा मौजूद थी। और इस डिबेट में आशुतोष गाली गलौज कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी की, वो ये कहती है कि देखिए, ये है आशुतोष की असलियत। हालांकि इस प्रोग्राम के कई हिस्से सोशल मीडिया में वायरल हैं, जिसको जो सूट करता है वो अपना अपना हिस्सा सोशल मीडिया में इस प्रोग्राम का वायरल करता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने वाकई में गाली गलौज की, आशुतोष को या प्रवोक किया गया, या उनको एक तरह से उनको बार बार उनके साथ बदतमीजी की गई, गलत शब्दों का इस्तेमाल उनके साथ किया गया, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। आखिर इस पूरे की पूरी वायरल वीडियो का सच क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर किसी को जो सूट कर रहा है वो इस प्रोग्राम के अपने अपने हिस्से को वायरल कर रहा है। तो एक हिस्सा वायरल है जिसमें आनंद रंगनाथन और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच काफ़ी बहस हो जाती है और आशुतोष अपना माइक निकाल कर जाने को तैयार हो जाते हैं शो से। देखिए, वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ पूरे वीडियो में एग्जैक्टली क्या था। तो आशुतोष क्या होता है, अपनी माइक निकाल कर जाने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि आनंद रंगनाथन कुछ टिप्पणी करने लगते हैं आशुतोष पर बिना नाम लिए, कि ऐसे तो पत्रकार लोग बनते हैं। और ये तो क्योंकि आनंद रंगनाथन इससे पहले भी टिप्पणियां कर चुके हैं अपने कई शोज में आशुतोष पर, तो आशुतोष अपना माइक निकाल कर जाते हैं ये कहते हुए कि मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस तरह की चीज़ें टीवी डिबेट्स में पसंद की जाती हैं कि एक गेस्ट चढ़ा जाए, दूसरा गैस उसको छेड़े। तो नाविका कुमार आशुतोष को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती हैं और आनंद रंगनाथन अपनी बात आगे करते हैं। इस बीच दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है और आशुतोष की जुबान से एक शब्द निकल जाता है जिसको बीप किया गया है। अब वो शब्द क्या है, वो शब्द वाकई में गाली है, कोई अब्यूज़ है, तो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो बीप किया गया है। उसके बाद आनंद रंगनाथन की भी एक शब्द को बीप किया गया है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि टीवी चैनल्स में नहीं चल सकता, इसलिए बीप किया गया होगा। तो हर कोई ये कह रहा है कि देखिए, आशुतोष जो दुनिया भर को सत्य हिंदी के प्लेटफॉर्म के जरिए लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और दुनिया भर को पत्रकारिता का ज्ञान देते हैं, सही गलत का ज्ञान देते हैं, तो आज उनके ही भाषा का प्रदर्शन हो गया कि किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल है। इस वीडियो को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली में जो पेट में दर्द आनंद रंगनाथन की बात सुनकर नहीं हुआ आशुतोष को बुरा ये लगा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो कि एक वक्त में कांग्रेस की प्रवक्ता हुआ करती थी, राधिका खेड़ा, उन्होंने आशुतोष पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। राधिका खेड़ा ने ये कहा कि आशुतोष जब एक वक्त में आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, रहे हैं शुरुआत में, आम आदमी पार्टी के बहुत से पत्रकार सदस्य रहे थे, ये वो दौर था जब आम आदमी पार्टी बन रही थी, तो आशुतोष ने पत्रकारिता छोड़ी थी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, बाकायदा आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ा था। और इसको लेकर भी आनंद रंगनाथन ने उन पर गलत टिप्पणी की कि तुम्हें तो इतने भी वोट नहीं मिले, इस तरह का उनका मजाक उड़ाया था। तो बेसिकली राधिका खेड़ा उस दौर का वक्त याद कर रही थी कि तब मैं कांग्रेस में थी और मैंने देखा था कि कैसे बैकडोर से आकर आशुतोष और रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने के 10,000 रुपये लेते थे। इस तरह की बातें आशुतोष के लिए बोली गई। दोस्तों, इस पूरे प्रोग्राम के बहुत से वीडियोज़ वायरल हैं और उन तमाम वीडियोस को देखकर एक बात समझ में आती है, चाहे वो एंकर नाविका कुमार हो, चाहे वो बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा हो, या फिर वो आनंद रंगनाथन हो, सबका टारगेट केवल एक आदमी था और वो था आशुतोष। क्यों था आप जानते हैं? तो कोई भी आदमी राजनीति ज्वाइन कर सकता है,
बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने अपने वक्त में राजनीति ज्वाइन की है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा पत्रकारिता पे आ गए। आशुतोष जी के आप सत्य हिंदी में डिबेट्स देखें तो मुझे लगता है कि अभी तक YouTube में बहुत से लोग डिबेट्स करते हैं और मैं सबका बहुत सम्मान भी करती हूँ, लेकिन आशुतोष जी के डिबेट्स का जो पैनल है वो सबसे बढ़िया होता है। उसमें हर तरह के लोग होते हैं, उसमें बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी बुलाया जाता है और उसमें उन लोगों को भी बुलाया जाता है जो बीजेपी का स्टैंड रखते हैं, मतलब उनका पैनल कभी भी एकतरफा नहीं होता है और वो खुद भी इस तरह के सवाल पूछते हैं पैनल से जो कि कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी एक खास दल के गोदी हो गए हैं, क्योंकि YouTube में भी कई तरह के गोदी पैदा हो गए हैं ना। अब तो आशुतोष मुझे लगता है YouTube में भी वैसी पत्रकारिता करते हैं जैसे वो अपने दौर में IBN 7 जो कि अब News 18 हो गया है, IBN 7 के दौर में संपादक के तौर पर किया करते थे। और हम तो आशुतोष जी को तब से देख रहे हैं, मतलब मैं हल्द्वानी में TV न्यूज़ चैनल्स देखती थी तब से मैं आशुतोष जी को देख रही हूँ और बहुत बड़े बड़े पदों में आशुतोष जी रहे हैं और जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है इस पूरे के पूरे शो में समझ में आता है कि भाई आशुतोष जी एक्चुअली में सत्य हिंदी के माध्यम से जो बातें बोलते हैं पेट में दर्द सबके उस वजह से हो रहा है, इसीलिए सबने उनको टारगेट कर दिया और उसके बाद उस वीडियो को प्ले भी कर दिया, उस वीडियो को अपने चैनल में चला भी दिया। तो इसको लेकर आप आनंद रंगनाथन को लेकर कुछ भी बोल सकते हैं, राधिका खेड़ा के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि भैया किस बेसिस में उन्होंने ऐसे आरोप लगा दिए आशुतोष पर कि जब मैं कांग्रेस में थी मैंने देखा था कि आशुतोष और रणदीप सुरजेवाला मिलकर राहुल गांधी के सेल्फी के पैसे लिया करते थे। कोई सबूत, कोई आधार, कोई किसी के बारे में कुछ ऐसा ही बोल देगा क्या नेशनल टेलीविजन में? नादिका कुमार भी आशुतोष से ही सवाल पूछ रही थी। तो आप अलग अलग लोगों की यहाँ पर आलोचना कर सकते हैं कि देखिए सब आशुतोष के ही एक तरह से उनको टारगेट करने लगे, लेकिन मैं एक व्यापक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब सब जानते हैं दोस्तों कि इन चैनल्स में क्या होता है तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को इस तरह के चैनल में पैनल का हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत थी? दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आशुतोष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो टेलीविजन को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो तब से टेलीविजन के संपादक हैं जब टेलीविजन की साख हुआ करती थी। जब मैं पत्रकारिता में आई भी नहीं थी, मैं कॉलेज या स्कूल में पढ़ती थी तब से मैं उनको संपादक के लेवल पर प्राइम टाइम करते हुए देख रही हूँ। तो टेलीविजन की क्या ज़रूरतें होती हैं, डिबेट में क्या मसाला चाहिए होता है, डिबेट को कैसे सनसनीखेज किया जाता है, आशुतोष सब कुछ जानते हैं। तो फिर वो इस तरह के डिबेट्स का हिस्सा कैसे बन रहे हैं? आशुतोष जी ये भी जानते हैं कि जो उनके दौर का टेलीविजन था वो आज नहीं है, टेलीविजन बदल चुका है, पूरी तरह से किसी गोद में जाके बैठ चुका है, ये भी बात आशुतोष जी जानते हैं। फिर भी इस तरह के डिबेट्स का हिस्सा आशुतोष जी कैसे बन रहे हैं? जब आशुतोष जी को इस डिबेट का इनवाइट भेजा गया होगा तो उनसे पूछा गया होगा, उन्हें बताया गया होगा कि पैनल में ये लोग हैं और आशुतोष जी इन लोगों को जानते हैं, तो फिर इस तरह के डिबेट्स का हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत है? हालांकि दोस्तों YouTube के बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो TV डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं, मैं सबका उस तरह के डिबेट्स में जाने का विरोध नहीं करती, क्योंकि होता क्या है इस तरह के पत्रकार जैसे आप आशुतोष जी हैं या प्रेम कुमार जी को भी आप सुनते होंगे, YouTube में भी बोलते हैं, रिपब्लिक जैसे चैनल्स में भी उनकी मौजूदगी रहती है, शीतल पी सिंह को भी आप सुनते होंगे, सत्य हिंदी के जरिए अपना प्रोग्राम भी है उनका और वो News 24 के अलावा कई और दूसरे चैनल्स में भी उनकी मौजूदगी रहती है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि इस तरह के पत्रकारों को अपने आप को YouTube में सीमित कर देना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए टेलीविजन में, क्योंकि टेलीविजन के डिबेट्स में जब इस तरह के पत्रकार मौजूद होते हैं ना तो एक व्यापक नैरेटिव जो बढ़ाया जाता है, जो बेचा जाता है TV के माध्यम से, उसमें लगाम लगती है। जो वो डिबेट होता है वो डिबेट तो इंटरेस्टिंग होता ही है, लेकिन उस डिबेट में एक आज़ाद पत्रकार की आवाज़ भी सुनाई देती है जो कि आजकल टेलीविजन में बहुत कम सुनाई देती है। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ दोस्तों कि इन डिबेट्स में भी अब क्या वक्त आ गया है कि जितने भी आज़ाद पत्रकार हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनको आप लोग सुनते हैं, वो भी ये बात समझें कि एक लक्ष्मण रेखा वो तय करें कि भाई इस चैनल में हद से ज़्यादा इस तरह की डिबेट्स होती हैं, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, और या इस चैनल में थोड़ी मर्यादा रखी जाती है या इस चैनल का एंकर थोड़ी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, वहाँ तो पिक एंड चूज करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए आशुतोष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके बीजेपी के प्रवक्ता ने अपना काम कर लिया, आनंद रंगनाथन ने अपना काम कर लिया, एंकर ने अपना काम कर लिया, टेलीविजन को भी अपना काम मिल गया, उस चैनल को भी TRP वाला शो मिल गया ना, मसालेदार, जिसमें दो गेस्ट एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एक गेस्ट माइक छोड़कर जा रहा है, फिर एंकर उसे रोक रहा है, फिर सब आपस में लड़ रहे हैं। यही तो चाहिए टेलीविजन को मसाला, क्योंकि कंटेंट तो है नहीं, तो इसी के भरोसे TRP है। लेकिन इस पूरे कंटेंट का खेल आशुतोष जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार तो जानते हैं ना, तो फिर वो इस तरह के खेल का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? और अगर इस तरह के खेल का हिस्सा ना बनने की कीमत ये है कि गोदी चैनल्स में जाया ही नहीं जाएगा, तो फिर ये क्या इतनी बड़ी कीमत है? वैसे भी
ये बहुत बड़े लोग हैं, इनको इन चैनल में जाकर लोग नहीं जानते हैं, लोग इनको पहले से जानते हैं और YouTube के माध्यम से तो बहुत बड़े लेवल पर जानते हैं। दोस्तों हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।